हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंड स्लैक मैसेज ऑन प्राइवेट चैनल फ्रॉम गूगल शीट्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे आप एक ऐसा इंटीग्रेशन बना सकते हैं गूगल शीट और स्लैक के बीच में कि जब भी आप डेटा ऐड करें गूगल शीट की रो में, फॉर एग्जांपल टीम मीटिंग की डिटेल्स हैं या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन है, वो डिटेल्स आप ऐड करें पर्टिकुलर रो में गूगल शीट में, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स के साथ एक मैसेज चला जाए स्लैक के प्राइवेट चैनल पे। जी हाँ, पॉसिबल है, आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये पूरा ऑटोमेशन बनाना है। ट्रिगर में आपको लेना है गूगल शीट, एक्शन स्टेप में आप लेंगे स्लैक और पूरा प्रोसेस इजिली हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पैबली का लैंडिंग पेज और आप इस पेज पे आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pabli.com/connect। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों, आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूजर हूँ इसलिए मैं क्लिक करूंगा साइन इन पर। उसके बाद दोस्तों, आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, क्लिक करना है एक्सेस नाउ और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पे आपको क्लिक करना है तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके स्क्रीन पे जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों, बेसिकली हमको यहाँ पे माई वर्कफ्लो को कोई नाम देना है और सेलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट वर्कफ्लो पे और लेट्स से यहाँ पर मैं मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ सेंड स्लैक मैसेज ऑन प्राइवेट चैनल फ्रॉम गूगल शीट्स। तो दोस्तों, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे आपकी वर्कफ्लो को। उसके बाद सेलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से मैं पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो हम टेस्ट वर्कफ्लोस वाले फोल्डर में माई वर्कफ्लो को सेव करेंगे। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों, ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो, तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज करना है। सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे तो इधर पर हम ट्रिगर एप्लीकेशन चूज कर लेंगे। तो चूज ऐप में आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल शीट्स। ओके, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल शीट्स और नीचे से आपको गूगल शीट्स चूज कर लेना है। ट्रिगर इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो और आपको यहाँ पे एक वेबो QRL मिल जाएगा। अब दोस्तों, वेबो QRL की मदद से आप कोई भी एप्लीकेशन को पैबली कनेक्ट में कनेक्ट कर सकते हैं, ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है और इसी वेबो QRL की मदद से हम गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करेंगे। नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कैसे आप वेबो QRL की मदद से गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले इस वेबो QRL को मैं ऐसे कर लेता हूँ कॉपी और नीचे आप देख सकते हैं आप शो रहा है वेटिंग फॉर वेबुक रेस्पॉन्स, क्योंकि हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है गूगल शीट में। ठीक है, तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ गूगल शीट पे। इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट पे मैं काम कर रहा हूँ जिसका नाम है स्लैक चैनल मैसेजेस, जो मैंने इस यूज केस के लिए क्रिएट करी है और इधर पर मैंने कॉलम्स क्रिएट कर लिए सीरियल नंबर और टॉपिक्स टू बी डिस्कस। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को मेरे टीम मेंबर्स को जो मैसेज भेजना है स्लैक पे, उस पर मैं टॉपिक्स भेजना चाहता हूँ कि इन पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा यूज केस ले लिया है। आप आपके अकॉर्डिंग जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इधर पर डिटेल्स ऐड करेंगे गूगल शीट की रूम में। ठीक है, तो इधर पर मैं यहाँ पे सीरियल नंबर 1 ले लेता हूँ और लेट्स से टॉपिक्स टू बी डिस्कस में पहला टॉपिक में डिस्कस करना चाहता हूँ सोशल मीडिया ट्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक टॉपिक ले लिया है सोशल मीडिया ट्रेंड्स। ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ मेरे टीम मेंबर्स के साथ। ओके, ऑलराइट, अब आपको वेबुक का सेटअप कैसे करना है। आपको वेबुक का सेटअप करना है, एक्सटेंशन पे जाना है, एडॉन्स पे जाना है, कैट एडॉन्स पे जाना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जिसका नाम है गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इधर सर्च एप्स में आपको सर्च कर लेना है पैबली कनेक्ट वेबुक्स। ओके, तो इधर पर मैं सर्च करता हूँ पैबली कनेक्ट वेबुक्स और आपको यहाँ से पैबली कनेक्ट वेबुक्स को इंस्टॉल कर लेना है। पैबली कनेक्ट वेबुक्स मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है तो उसको मैं यहाँ से करता हूँ क्लोज। उसके बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है जब आप पैबली कनेक्ट वेबुक्स को एक बार इंस्टॉल कर लेंगे तब। ठीक है, अब आपको वेबुक का सेटअप कैसे करना है। आपको जाना है एक्सटेंशंस पे, फिर आपको यहाँ पे पैबली कनेक्ट वेबुक्स नीचे मिल जाएगा, फिर आपको क्लिक करना है इनिशियल सेटअप पे। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके स्क्रीन पे इनिशियल सेटअप का। इधर पर आपको वेबुक QRL ऐड करना है और ट्रिगर कॉलम देना है। तो वेबुक QRL में आप क्या ऐड करेंगे, जो वेबुक QRL आपको पैबली कनेक्ट से मिला है। तो हमने इस वेबुक QRL को कर लिया था कॉपी, हम सिंपली इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ओके,
कुछ इस तरह आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। उसके बाद आपको ट्रिगर कॉलम देना है, तो ट्रिगर कॉलम में आपको जो लास्ट डेटा कॉलम है वो आपको यहाँ पे देना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, द ट्रिगर कॉलम विल बी अ फाइनल डेटा कॉलम ऑन विच इफ द डेटा इज एडेड द होल ऑफ दैट रो डेटा विल बी सेंड टू द वेबहुक यूआरएल। तो जिस पर्टिकुलर कॉलम में डेटा है, जो लास्ट डेटा कॉलम है, वो आपको यहाँ पर देना है। तो मेरी स्प्रेडशीट में लास्ट डेटा कॉलम कॉलम बी है, तो जब मैं इसको एंटर कर देता हूँ, सेंड टेस्ट पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली, और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेटअप कॉन्फिगर सक्सेसफुली। तो हमने यहाँ पे वेबबुक का सेटअप भी कर लिया है और एक टेस्ट सबमिशन भी कर दिया है। आइए पैबली कनेक्ट में चलते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। ट्रिगर कॉलम में बी शो रहा है जो हमने डाला था, टॉपिक्स टू बी डिस्कस वाले कॉलम में हमने डाला था सोशल मीडिया ट्रेंड्स। ओके, तो इधर पर हमको रिसीव हो गया। सीरियल नंबर 1 यहाँ पे शो रहा है, स्प्रेडशीट नेम यहाँ पे शो रहा है, स्लैक चैनल मैसेजेस, शीट नेम शीट 1 शो रहा है और कुछ अदर डिटेल्स। तो बेसिकली हमने हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। जब भी आप कोई डिटेल्स ऐड करेंगे गूगल शीट की रो में, तो डेटा आप कुछ इस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं वेबबुक क्यूआरएल की मदद से पैबली कनेक्ट में, ठीक है। तो इधर पर हमने हमारे ऑटोमेशन की फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर ली है। इधर पर आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, आपको गूगल शीट पे ले चलता हूँ। तो इधर पर जब आप वेबबुक का सेटअप कर लेंगे, तो आपको पैबली कनेक्ट वेबबुक से फिर से जाना है और जो साइन ऑन इवेंट वाली बटन है इसको ऑन कर देना है। इसकी मदद से दोस्तों क्या होगा, जब भी आप कोई भी डेटा ऐड करेंगे आपकी गूगल शीट की रो में, तो ऑटोमेटिकली जब आप एक बार ऑटोमेशन बना लेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो डिटेल्स हैं कैप्चर हो जाएंगी पैबली कनेक्ट में, ठीक है। इधर पर लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करता है। मतलब आपको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है, उसके बाद ये इंस्टेंटली वर्क करेगा, तुरंत अपना काम करेगा, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सेंड स्लैक मैसेज ऑन प्राइवेट चैनल फ्रॉम गूगल शीट्स। हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि हम स्लैक के प्राइवेट चैनल पे मैसेज सेंड करना चाहते हैं गूगल शीट में जो डिटेल्स हमने ऐड करी है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्शन स्टेप में आना है। यहाँ पे चूज ऐप में आप सर्च करेंगे स्लैक, ओके। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ स्लैक, नीचे से स्लैक चूज कर लेता हूँ, और एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है सेंड चैनल मैसेज। क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे, तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट स्लैक अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे जो स्लैक का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। इधर पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एक्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल करके रखा है, तो आप सिलेक्ट एक्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कनेक्ट विद स्लैक। इधर पर आपको टोकन टाइप देना है, यूजर या बॉट। इधर पर हम टोकन टाइप देंगे बॉट, और अगर आप डिफरेंस जानना चाहते हैं, अगर आप यूजर रखते हैं या बॉट रखते हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या है, तो आप इस हाइपर लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके ओके, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सेव वाली बटन पे, और इधर पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है पैबली कनेक्ट इज रिक्वेस्टिंग परमिशन टू एक्सेस द पैबली कनेक्ट स्लैक वर्क स्पेस। तो इधर पर आपको आपके वर्क स्पेस के लिए परमिशन ग्रांट करना है, तो इधर पर आपको अलाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका मतलब ये है जो स्लैक और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे आप फील्ड देख सकते हैं, चैनल मैसेज इमेज यूआरएल इमेज ऑल टेक्स्ट और कुछ अदर डिटेल्स। तो इधर पर जो रिक्वायर्ड फील्ड है वही हम इधर पर भरेंगे, बाकी की फील्ड अभी हम ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इधर पर चैनल वाली फील्ड में जाते हैं, तो यहाँ से आप जो भी चैनल आपने क्रिएट करके रखे हैं आपके स्लैक अकाउंट में वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इधर से आप चैनल सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैसेज में आपको पर्टिकुलर मैसेज ड्राफ्ट करना है जो मैसेज आप भेजना चाहते हैं आपके स्लैक के चैनल पे। तो इधर पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक न्यू चैनल क्रिएट करता हूँ आपके सामने, ओके। इधर पर एक नया चैनल हम क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस चैनल को मैं नाम दे देता हूँ गूगल शीट्स टेस्ट चैनल। यहाँ पर मैंने एक नाम दे दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, प्राइवेट रखते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, ओके। तो इधर पर मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट कर लिया जिसका नाम है गूगल शीट्स टेस्ट चैनल, ओके। अब इधर पर आपको एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि इधर पर आपको जो पैबली कनेक्ट बॉट है उसको इधर पर ऐड करना है जब भी मैसेज इधर पर रिसीव होगा। अगर आप उसको ऐड नहीं करेंगे तो इधर मैसेज रिसीव नहीं होगा। तो मैं आपको दोनों कंडीशन बता देता हूँ, अगर आप इसको ऐड नहीं करेंगे तो आपको कैसा रिस्पॉन्स रिसीव होगा। इधर पर हम यहाँ पर चैनल सेलेक्ट करते हैं पहले, ओके। इधर पर मैं गूगल शीट्स, ओके, इधर पर पहले रिफ्रेश करता हूँ मैं, ओके, चैनल सेलेक्ट करते हैं। इधर पर सर्च करता हूँ गूगल शीट्स टेस्ट चैनल, ये हमने क्रिएट करा है, ओके। मैसेज में हम क्या भेजना चाहते हैं, तो इधर पर एक स्टैंडर्ड मैसेज में ड्राफ्ट कर लेता हूँ, लेट्स से हेलो टीम, ओके। टॉपिक हमको क्या रिसीव हुआ है, सोशल मीडिया ट्रेंड्स। अब यहाँ पर मैंने जो स्टेप करी इसको बोलते हैं मैपिंग। ये जो मैंने प्रीवियस स्टेप से डेटा मैप करा है इसको मैपिंग बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, एक बार मैं पहले मैसेज ड्राफ्ट कर लूँ, वी विल हैव द डिस्कशन ऑन द टॉपिक दिस।
तो इधर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक स्टैंडर्ड मैसेज ड्राफ्ट कर लिया है, ऑल राइट। और इधर पर ये जो स्टेप परफॉर्म करी है, जो मैंने प्रीवियस स्टेप से डेटा मैप करा है, इसको बोलते हैं मैपिंग। इसका इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों कि एक बार आप यहाँ पे डेटा मैप कर देंगे प्रीवियस स्टेप से, उसकी मदद से आपको हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैंने प्रीवियस स्टेप से डेटा मैप कर दिया, अब जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा और जो भी रेस्पॉन्स हमको रिसीव होगा, फॉर एग्जाम्पल हमको नेक्स्ट टॉपिक रिसीव होगा इधर पर हमारे यूज केस के अकॉर्डिंग, तो वो टॉपिक ऑटोमेटिकली इधर पर आ जाएगा इस वैल्यू की जगह और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि हम मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मैनुअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा। मैनुअली हमने ये टाइप करा ये मैसेज, ये हमेशा स्टैटिक रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको मैसेज ड्राफ्ट कर लेना है। अब बाकी की फीस मैं अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, इधर पर मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, तो आप देख सकते हैं चैनल नॉट फाउंड इधर पर लिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का एरर आएगा अगर आप पैबली कनेक्ट बॉट को इधर पर प्राइवेट चैनल में ऐड नहीं करेंगे। तो अगर आप प्राइवेट चैनल में मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो इधर पर आपको इधर पर टाइप करना है @pablyconnect, ओके। तो यहाँ से आप पैबली कनेक्ट जो बॉट है उसको ऐड कर लेंगे पर्टिकुलर प्राइवेट चैनल में, जिसकी मदद से आप मैसेज सेंड कर पाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट वॉज एडेड टू गूगल शीट्स टेस्ट चैनल बाय डमी टेस्ट, ऑल राइट। तो इधर पर स्लैक बॉट ने इस पर्टिकुलर बॉट को ऐड कर लिया है। अब हम इधर पर जाते हैं पैबली कनेक्ट में वापस, और अब मैं क्लिक करता हूँ फिर से सेवन सेंट टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, तो आप देख सकते हैं अब हमको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है, इधर पर वैल्यू में 1 शो हो रहा है, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉट मैसेज गया है और जो मैसेज हमने ऊपर ड्राफ्ट करा है वो मैसेज ऐसा कैसा हमको यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब ऐसा कैसा मैसेज स्लैक चैनल पे चला गया है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ स्लैक पे, और आप इधर पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक न्यू मैसेज रिसीव हो गया है, हेलो टीम वी विल हैव द डिस्कशन ऑन द टॉपिक सोशल मीडिया ट्रेंड्स, विल कनेक्ट इन द इवनिंग, थैंक्स, ओके। तो कुछ इस तरह आप प्राइवेट चैनल पे, मतलब प्राइवेट स्लैक चैनल पे मैसेज सेंड कर सकते हैं, या तो आप खुद को अगर इन्फॉर्म करना चाहते हैं, खुद का एक प्राइवेट चैनल है तो वो चीज़ कर सकते हैं, आपके टीम मेंबर्स को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरह ये ऑटोमेशन वर्क करता है। आइए समराइज करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा है। तो इस ऑटोमेशन में ट्रिगर में मैंने लिया गूगल शीट्स, ट्रिगर इवेंट हमने लिया न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो, एक्शन स्टेप में हमने लिया स्लैक, एक्शन इवेंट हमने लिया सेंड चैनल मैसेज, जिसकी मदद से हमने स्लैक के प्राइवेट चैनल पे मैसेज सेंड कर दिया, हमारे टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, तो मैंने आपको बताया था पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करता है। आपको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है, उसके बाद तुरंत इंस्टेंटली अपना काम करेगा, ठीक है। तो एक बार आइए इसको रियल टाइम में टेस्ट करते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ गूगल शीट पे। अब इधर पर मैं क्या करता हूँ, एक नेक्स्ट टॉपिक की डिटेल्स ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था आपको जो सेंड ऑन इवेंट वाली बटन है उसको ऑन कर देना है। तो यहाँ पर मैं एक नया टाइटल ऐड करता हूँ, लेट्स से इधर पर टॉपिक्स टू बी डिस्कस में डालता हूँ फिनटेक, ओके, ठीक है। ये मैंने न्यू टॉपिक ऐड कर दिया है यहाँ पे। अब हमको कुछ नहीं करना है, पैब्लिकेंट में जाते हैं, हमने हमारा ऑटोमेशन ऑलरेडी बना के रखा है, कुछ भी नहीं करना है, पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली होगा, ठीक है। सीधे आपको चलता हूँ स्लैक के प्राइवेट चैनल पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली दोस्तों, ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैसेज रिसीव हो गया, हेलो टीम वी विल हैव द डिस्कशन ऑन द टॉपिक फिनटेक, विल कनेक्ट इन द इवनिंग, थैंक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक यहाँ पे चेंज हो गया है। इसलिए मैपिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं बता रहा था ना आपको कि डेटा आपको मैप करना रहता है, जिसकी मदद से आपको हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट हो, तो डेटा मैप करना का इंपॉर्टेंस ये है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप ये पूरा ऑटोमेशन बना सकते हैं बिना किसी कोडिंग स्किल्स के पैबली कनेक्ट की मदद से। अगर आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप बड़े ही आसानी से सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंडिकेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे, और अगर आपकी कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।